I was talking about the risk premium. Now we are going to discuss, I'm going to discuss what are the determinants of risk premium on a portfolio. So, together, there are two important factors that help us in deciding what is going to be the risk premium. That is the first factor that decides that helps us in or that influences the value of the risk premium is the overall aggregate level of the risk aversion of the investors. so risk aversion ka kya matlab hai? Ke, to what degree, to what extent people want to avoid getting into risky situations. so generally as a calm overall इन्वेस्टर्स जो हैं वो रिस्क अवर्टर्स होते हैं वो बहुत बड़ा लेवल ऑफ रिस्क लेना नहीं पसंद करते हावे हमने डिस्कस किया था पहले कि जो इन्वेस्टर हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं इन टू थ्री कैटेगरीज दे कैन बी रिस्क लवर्स रिस्क टेकरस जिसको हम बोल सकते हैं दे कैन बी रिस्क अवर्टर्स जो कि रिस्क अवॉइड करने वाली तरह की वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट सिचुएशन में जाना पसंद करते हैं जहाँ ज़्यादा बड़ा लेवल का रिस्क ना हो जहाँ शो शॉट हो कि हमें इतने पैसे रिटर्न में मिलेंगे नाउ देर कुड बी अ थर्ड कैटेगरी जो कि इन दोनों के दरम्यान में फॉल करती है विच इज़ द रिस्क न्यूट्रल्स सो आपकी रिस्क एवर्जन की इन्वेस्टर्स की जनरल रिस्क एवर्जन का एक्सटेंट क्या है या डिग्री क्या है वो डिटर्मिन करती है कि आप कितना रिस्क प्रीमियम लेना चाहेंगे एक बा एक ये फैक्टर है दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो मार्केट का रिटर्न है उसकी वोलिटिलिटी का लेवल क्या है का मतलब है उसमें कितने फ्लैक्चुशंस आ रहे हैं तो अक्सर जब आप स्टॉक मार्केट के वैल्यूज़ को देखते हैं आपको टेलीविजन में ख़बरों में सुनने को मिलता है कि आज स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की क्रैश कर गई है या इतने हंड्रेड परसेंट इतने थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट फोर्टी वन परसेंट वो राइज कर गई है तो ये जब अक्सर होता चला जाता है तो इसका मतलब है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गई है लेकिन अगर इस तरह के उतार चढ़ाव बहुत तेजी से नहीं आ रहे हो तो फिर वोलेटिलिटी का लेवल कम रिप्रेजेंट कर रही होती है सो ओवरऑल मार्केट के रिटर्न में वोलेटिलिटी का लेवल क्या है वो भी डिटर्मिन करेगा कि आप कितना रिस्क प्रीमियम मांग रहे हैं सो रिस्क प्रीमियम हैज़ टू मेजर डिटर्मेंट्स के वॉट इज़ द एक्सटेंट टू विच द ओवरऑल इन्वेस्टर्स आर रिस्क वोटर्स उसकी डिग्री क्या है जिस और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि मार्केट में वोलेटिलिटी का क्या हिसाब है सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू आई एम गो टू फर्दर एबरेटेड कि जब आपने कोई भी रिस्क को एक्सेप्ट करना है मार्केट uh, को मार्केट पोर्टफोलियो को डिफाइन करने के वास्ते तो दे ऑलवेज वांट के हम इफ़ वी आर मूविंग ऑन टू सर्टन टू इन्वेस्ट इन सर्टन पोर्टफोलियो तो हमें जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है इफ़ इट इज़ रिस्की तो आप उसी के हिसाब से अपनी एक्सपेक्टेड रिटर्न हायर एक्सपेक्ट करते हैं और ये एक अहम बात है जिसको हम हमेशा एज अ फाउंडेशन समझते हैं जो भी पोर्टफोलियो को डिफाइन करते हैं या पोर्टफोलियो की जो मैनेजमेंट है उसको हमने अंडरस्टैंड करने के लिए दिस दिस इज़ अनदर इम्पोर्टेंट दिस इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड और जितना भी हायर डिग्री ऑफ रिस्क वर्जन होता है उतना ही आप ज़्यादा रिस्क प्रीमियम मांगते हैं तो अगर मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब है आप रिस्क प्रीमियम ज़्यादा मांगेंगे और अगर आप जितना ज़्यादा रिस्क अवॉइड करने वाले हैं उतना उतना ही ज़्यादा बड़ा रिस्क प्रीमियम एक्सपेक्ट करते हैं आप सो दीज दिस इज़ हाउ दे कैन दीज टू फैक्टर्स कैन बी अंडरस्टूड कैन बी ब्रॉडली अंडरस्टूड सो इफ वी गो फॉर द ियम वुड बी रिस्क प्रीमियम दैट कैन बी डिफाइंड ऑफ ए एंड रिस्क अवर्टर का डिग्री सिग्मा स्क्र एम इज ऑब्वियसली हम सिग्मा से या स्टैंड से या वेरियंट से क्या हिसाब लगाते हैं वोलेटिलिटी का तो ये मार्केट रिटर्न की वोलेटिलिटी का मैर है सिग्मा स्क्वायर है और ए इज द डिग्री और द लेवल जिस पे आप रिस्क रिस्क एवर्टर्स रिस्कर्सन को डिफाइन कर सकते हैं एंड दैट दीज टू थिंग्स हेल्प अस इन डिसाइडिंग कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिस्क प्रीमियम विच इज गिवन बाय द एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न माइनस द रिस्क फ्री रिटर्न और ये आपका रिस्क प्रीमियम है रिस्क प्रीमियम हमेशा प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सिग्मा स्क्वायर एम के बराबर होता है नाउ अगर हम इसको आई एम गो टू एक्सप्लेन इट यूजिंग एन एग्जाम्पल सपोज हमारा जो मार्केट का रिटर्न का वोलेटिलिटी है इफ़ इट इज़ नॉट पॉइंट टू जीरो पॉइंट टू यानी कि सिग्मा की वैल्यू सिग्मा एम की वैल्यू और सिग्मा स्क्वायर एम की वैल्यू और अगर आपने जो रिस्क वर्जन का को मायर करा है कैपिटल ए से तो सपोज़ हम उसको टू से रिप्रजेंट करें जितनी बड़ी डिग्री होगी उसका उतना आप ज़्यादा रिस्क वर्टर हैं तो अभी यहाँ हम एस्यूम हैं सपोज इट इज़ टू तो इफ़ वी वांट टू डिटरमिन के रिस्क प्रीमियम इन दिस सिचुएशन क्या होगा जब वोलेटिलिटी की वैल्यू जीरो पॉइंट टू है और रिस्क वर्जन की जो डिग्री है या एक्सटेंट है या लेवल है वो प्लस टू से आपने उसका पैमाना बनाया है डिफाइन किया उसको तो ए टाइम्स सिग्मा स्क्वायर एम विल गिव यू आर नॉट पॉइंट जीरो एट ठीक है और दिस नॉट पॉइंट जीरो एट इज़ द रिस्क प्रीमियम तो जितना आपका रिस्क वर्जन का डिग्री बढ़ता चला जाएगा उतना आप रिस्क प्रीमियम ज़्यादा डिफाइन करेंगे जितना आपका वोलिटिलिटी का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा उतना आपका रिस्क प्रीमियम ज़्यादा हो जाएगा तो ये दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है या पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन विद द रिस्क प्रीमियम सो दे टू दीज टू डिसाइड और डिटर्मिन अबाउट द वैल्यू ऑफ रिस्क प्रीमियम